वसीम रिजवी की फिल्म राम जन्मभूमि का ट्रेलर हुआ लॉन्च। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वसीम रिजवी। कुछ राजनीतिक पार्टियां केवल मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। 1992 अयोध्या कांड पर बनी है फिल्म। मस्जिद मुसलमानों की है और इंशाल्लाह वहां बाबरी मस्जिद कायम होकर रहेगी। लानत हो यजीद और उसके बाप माविया पर जिसकी पैरोकारी ने तुम्हारे दिलों से हक परस्ती छीन ली। अयोध्या विवाद और कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर है फिल्म। इस देश के अंदर नेता जो विरोध कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वसीम रिजवी के अनुसार मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ उन्होंने उठाई आवाज। आप भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो हाथ में तलवार लेकर इंसानियत का खून करने पर आमादा है, और वो भी इस्लाम के नाम पर। मैं आरिफ खान इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और हलाला के मुद्दे पर बनी है फिल्म। हम एक ऐसे मजहब में पैदा हुए जहाँ घर की बहू के साथ हलाला के नाम पर घर के ससुर हम बिस्तर हुआ करते हैं। खुद वसीम रिजवी ने लिखी है इस फिल्म की कहानी। हिंदू सहिष्णु था, हिंदू सहिष्णु है और हिंदू सहिष्णु रहेगा। तैयार हो जाइए एक और जंग के लिए। वसीम रिजवी ने कहा कि अगर राम मंदिर समझौते से बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। नेताजी, आपने जो काम कहा था वो हो गया।